नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है महासंग्राम 2023 का आखिरी राउंड जो कि अब हो चुका है पूरा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी राउंड में वो दांव लगाया कि तीनों खाने चित हो गई कांग्रेस। हालांकि तेलंगाना में जीत हो गई तो इसलिए एक खाना कांग्रेस के पास चला गया है। 2013 के बाद ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में से एक है। एमपी में खिला कमल, देश के दिल में प्रचंड जीत, फिर चला मोदी मैजिक, काम कर गई चाणक्य की रणनीति, रंग लाई शिवराज की मेहनत। ये जीत का जश्न है, ये ऐसी जीत है जो प्रचंड है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ही आंधी चली है। आंधी भी ऐसी कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता की चाबी पर दोबारा कब्जा कर लिया है और ये जता दिया है कि प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो बीजेपी है। जीत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं, वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। वोटों की गिनती के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर न्यूज 18 पर दिखाए जा रहे नतीजों पर नजरें कढ़ाए हुए थे। दोपहर तक ये बढ़त रुझानों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इससे तय हो गया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी और इसके साथ ही पूरी पार्टी जश्न में डूब गई। जितनी अपेक्षा थी उससे भी अच्छे परिणाम आए। इस बार लाडली बहना फैक्टर को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी समय सबसे पॉपुलर स्कीम थी, सब चूंकि अभी पिछले 5 महीने पहले प्रारंभ हुई थी तो इसलिए उस योजना में भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों का जो एक निर्णय था उसमें महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जन जन का विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है, मध्य प्रदेश के जनता को एक सबको बधाई। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि आज 51% से ऊपर वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही ताकत है जो अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता का आभार और कार्यकर्ताओं को बधाई। एमपी में कुल मिलाकर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अगर शिवराज फिर से सीएम बनते हैं तो ऐसा 5वीं बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज पूरे दिन आपने देखा रुझानों को परिणामों में बदलते हुए, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं कि ये रुझान कैसे आए, ये परिणाम में कैसे परिवर्तित हुए। बीजेपी जो कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 टेन्योर से सरकार में आ रही थी, 18 सालों का शासन, शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर के कई बार चर्चा थी कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा देगी, सरकार हार जाएगी, बीजेपी को बाहर जाना पड़ेगा। फिर चला मोदी मैजिक और मोदी मैजिक का कमाल देखिए कि सीटें बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे तक निकल गईं। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए आए तो एमपी के मन में मोदी
मोदी के मन में एमपी नारे ने कमाल कर दिया और धराशायी हो गए एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स। सभी मतदाताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मोदी मतलब जीत की गारंटी, एमपी के मन में मोदी, देश के दिल में मोदी, मोदी मोदी का जादू चला और मध्य प्रदेश की जनता ने फिर बीजेपी पर भरोसा जताया, पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत मिली है। 2018 में बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार गई। इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और सीएम चेहरा नहीं दिया, पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है और जीत मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है, ये उसी का परिणाम है। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं, वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। ब्रांड मोदी फिर चमका, जनता को मोदी पर भरोसा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी चमका और जनता ने पीएम की बातों और उनकी गारंटी पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने यहां 14 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की थी, जिससे एक लंबे शासन की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने 230 सीटों वाले प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दामोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बेतुल, साजापुर और झबुआ में सभाओं को संबोधित किया। इंदौर में बड़ा रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का अथाह आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर। देश के दिल में खिला कमल, लहराया लहराया बीजेपी ने जीत का परचम। जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, वो पीएम मोदी का चेहरा है, उनकी गारंटी जो उन्होंने लगभग हर रैली में दोहराया, मोदी मतलब गारंटी। उनके वादों और उनकी दी गई गारंटियों का असर हुआ, देश में दिल में फिर कमल खिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मोदी की भी एक गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही लहर चल रही थी। शिवराज सिंह चौहान की वाक्पटुता, शिवराज सिंह चौहान के अगाध प्रेम, वो भी लाडली बहनों और बेटियों के प्रति, यहां पर एक बड़ा फैक्टर बना। अब उसके पीछे क्या कहानी है वो आपको बताते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लाडली बहनों और बेटियों पर फोकस किया, जो कि उन्हें अपना मामा मानती हैं, अपना भाई मानती हैं। और आधी आबादी पर फोकस करने का शिवराज सिंह चौहान का ये फॉर्मूला, जिसका नाम था लाडली बहना योजना, काम कर गया। और 150 से ज्यादा सभाएं उन्होंने लाडली बहनों के साथ की और लाडली बहनों ने हर कील कांटे को निकालकर दुरुस्त कर दी सत्ता शिवराज सिंह चौहान की। लाडली बहना बनी गेम चेंजर।
चला 1250 रुपए वाला जादू। ट्रंप कार्ड बनी लाडली बहना। बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान। बीजेपी की बड़ी जीत में लाडली बहनों का सीएम शिवराज का साथ मिला और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लाडली बहना योजना ट्रंप कार्ड साबित हुई। इस योजना का सीएम शिवराज ने चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया। उन्होंने हर सभा, हर रैली, रोड शो और हर मंच पर इस योजना का जिक्र किया और फिर जब जीत के नतीजे आए तो लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज ने 6 महीने बाद ही बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दिया था। साथ ही सीएम ने ये राशि आने वाले समय में 3000 रुपए तक ले जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि हमारी जीत में लाडली बहना योजना का जबरदस्त योगदान रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ चली और जिस तरीके से सीएम हाउस का जश्न मनाया जा रहा, बड़ी संख्या में लाडली बहने जो है वो यहाँ पहुंची है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जीत जो है वो लाडली बहनों की जीत है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों, मैं इनका मेरी लाडली बहना है साथ। सीएम शिवराज के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाडली बहना योजना को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। हमसे जो कहा गया करने के लिए उसी का फलस्वरूप आज ये नतीजा आ पाया है। स्थानीय स्तर पर हमारे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिसने अथक प्रयास किया है, हमारे बीजेपी पार्टी के हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने यह नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एमपी में केंद्र की योजनाओं का भी खासा प्रभाव रहा। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुफ्त राशन योजना के करोड़ों लाभार्थी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। आधी आबादी का साथ मोदी सरकार की योजनाओं का भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बड़े फैक्टर्स रहे। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये वो फैक्टर था जिससे शिवराज सिंह चौहान छा गए और एक बार फिर सत्ता में आ गए। दरअसल कुछ और फैक्टर्स की हम बात करेंगे आज के इस रिजल्ट को समझने के लिए। मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दूर की कौड़ी साबित हो रहा था, लेकिन अचानक ऐसा आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और ये कांग्रेस पार्टी के लिए दूर की कौड़ी बन गया। बीजेपी की प्रचंड जीत, देश के दिल में लहराया भगवा। कांग्रेस का एमपी में टूटा सपना। ये जीत खास है, ये जीत बड़ी है। तब जबकि कुछ महीने पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए चुनावी रण में जीत का सहरा बांध पाना काफी मुश्किल होगा। एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही कई फैक्टर्स इसके साथ जोड़े जा रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात बीजेपी को ना सिर्फ चुनावी दौड़ में वापस ला दिया बल्कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत भी दिला दी। जानते हैं बीजेपी की जीत के फैक्टर। सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान। भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी, अमित शाह ने रणनीति की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखी। बागियों को मनाने में शाह ने बड़ी भूमिका निभाई।
सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा। चुनाव इस वजह से दिलचस्प बन गया। लाडली बहना योजना से आधी आबादी को साधा, संविदा कर्मचारियों की नाराजगी को दूर किया, अलग अलग वर्ग के लिए ऐलान किए गए हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी ने जोर शोर से रखा, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण का वादा भी किया। ये कुछ ऐसी बातें थी जो प्रदेश में कमल को खिलाने में फिर से कामयाब रही। के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग, बड़ा वोटर वर्ग जो है उसका एक भरोसा है, और जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसकी अपील काम करती है। और ये जो चुनाव है, मोदी जी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो महिला वोटर का भरोसा, वो भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्टी ने जिस तरह से एक रणनीति बनाई अपने अलग अलग क्षेत्रों में कद्दावर नेताओं को उतारने की, वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले जीत के तो खूब दावे किए थे, लेकिन जो नतीजे आए वो ना केवल निराश करने वाले थे बल्कि वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की हार के फैक्टर जान लेते हैं। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी, स्थानीय स्तर पर बनी रणनीति, टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी, बागियों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए, एग्रेसिव कैंपेनिंग में कमी रही, स्थानीय नेताओं पर कैंपेनिंग की जिम्मेदारी, वादों से जनता के बीच नहीं बनी पैठ, यूथ को नहीं कनेक्ट कर पाए कमलनाथ, आधी आबादी को नहीं जोड़ पाए, संगठन के स्तर पर कांग्रेस में कमियां बनी रही, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं भर पाई कांग्रेस, बेरोजगारी, महिला, किसान, महंगाई जैसे मुद्दे को कांग्रेस चुनाव में जरूर उछालती रही, कई वादे भी किए, लेकिन कांग्रेस अपने वादों को जनता को समझा पाने में कामयाब नहीं रही। इसके उलट बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, वो इस बात को दर्शाता है कि संगठन और चुनाव प्रबंधन के मामले में बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है, ना कोई तोड़ है। कम से कम एमपी को लेकर ये बात कह ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जहां ये दावा किया जा रहा था और राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कहीं ना कहीं ये विश्वास मानकर चल रहे थे कि भूपेश बघेल फिर आएंगे, कांग्रेस पार्टी फिर जीतेगी। लेकिन यहां ये क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस का निकला दम, छत्तीसगढ़ में खिला कमल। 2018 में मिली हार का बदला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया। जश्न मनाते कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैग के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल की है। राजनीति के ज्यादातर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरोसा था। भरोसा न केवल जीत का, बल्कि बड़ी जीत का, जो मिली भी। लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है, और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बीजेपी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। निश्चित रूप से हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ, और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, गारंटी दी, जनता ने उस पर भरोसा किया, और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को, ओम प्रकाश माथुर जी को, मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता का विश्वास
छत्तीसगढ़ में भूख भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति, जिस प्रकार से रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, 5 साल रायपुर शहर विकास के नाम पर तरसता रहा। नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी भी होने के बाद में भी इस रायपुर शहर की राजधानी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हो उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा था, लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया। बीजेपी खेमे में जहां प्रचंड जीत को लेकर उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई है। तो ये था आज का निचोड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ बड़ा उलटफेर, उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिलचस्प आंकड़े, कुछ और खबरें और कुछ और अपडेट्स आना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ।